Welcome to Unscripted with AK. Today's guest set stages and screens on fire. He is a wonderful writer. He's even a poet. Now this man can act and he can sing, he can be funny, he can be deep. so Gopalda I' <laughs> already Gopalji, welcome to this episode. Of uh, unscripted with AK nice unscripted like your life and like my माई <laughs> 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 ये आदिम का एक पॉडकास्ट हैप्पी कि आप आए हैं और uh, मैं चाहता हूँ कि वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी डोंट यूजुअली टॉक अबाउट ये एक्चुअली शुरू एक चीज़ से करनी जो आप मुझसे मिलके काफ़ी बार कहते हैं और क्योंकि ये थिएटर का पॉडकास्ट है, आप बोलते, है यू हेट <laughs> तो, <laughs> जो आप बोलते हैं तो ये जरा बताइए व्हाई डू यू हेट थिएटर मैं कभी नहीं कहता ऐसा एक्चुअली आई लव थिएटर नो कुछ तो आपत्ति है आप नहीं मेरे कोई आपत्ति नहीं है मेरे को है लव थिएटर इनफैक्ट मैंने सुना है आप एक शो भी करते हैं और करो थिएटर नाम है उसका कि आ, मतलब 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 मैंने एक्चुअली गाना जो मतलब थिएटर करते हैं आप उनके खिल्ली बहुत उड़ाते हैं मैं, मैंने सुना हैं तो, the, the, तो है तो व्हाट द आपका मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं मैं आई थिएटर आकर मैं आज यहाँ बता रहा हूँ बताई बात लोगों को कि 93, 93. मैं, मैंने पहला, पहला प्ले किया था और 93 से लेके पैंडमिक जब तक नहीं आया तब तक कोई ऐसे छह महीने नहीं गए थे जिसमें मैं स्टेज पे नहीं गया हूँगा खुशी खुशी <laughs> <Obviously>. <laughs> ऐसा कभी नहीं हुआ कि छह महीने का गैप हुआ हो ठीक तो, है मतलब वो तो मतलब लोग नौकरी हाँ। भी करते हैं दे डोंट लाइक इट सो आ, बट बट सो ये तो अपना इंटरनल जोक है वही मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं। मैं कभी-कभी इसलिए कहता हूं क्योंकि क्योंकि इतना एफर्ट एफर्ट का रिटर्न्स कम है एनर्जी करेक्ट लेकिन अगर हमारे पास टाइम है तो वो मैं ऋषिकेश जोशी हमारे एक सीनियर है उनका बहुत सुंदर एक पूरा पीस है प्लीज उसमें वो कहते हैं कि जैसे वो कहते हैं फिल्म क्या है फिल्म क्या है फिल्म है आम खाने जैसा आप लाते हो महंगी चीज है उसका सीजन होता है ये नहीं कि आप कभी भी आम खा लो उसका सीजन है आप लाते हो पानी में भिगाते हो फिर उसको काटते हो और खाते हो उसकी उसकी खुशी है फिर अच्छा आम खाते हो तो आप बोलते हो आम खाए तो फिल्म जो है आम खाने जैसा है और टेलीविजन जो है वो सीताफल खाने जैसा है क्योंकि उसमें खाना कम थूकना ज्यादा होता ओके तो ऐसी कई चीजें हैं लेकिन थिएटर क्या है थिएटर है तंबाकू जैसा अच्छा थिएटर नशा है कि आपका आम खा के पेट भरा हुआ है लेकिन फिर भी अगर आपको नशा है तो आप बोलोगे थोड़ा तंबाकू हो जाता तो मज़ा आ जाता और मतलब जिंदगी बर्बाद कर देगा लेकिन नहीं लॉन्ग रन में ये नहीं कह रहा So, <laughs> मैं नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत एफर्ट लगता है थिएटर में बहुत पैशन लगता है बहुत एनर्जी पैसा सब कुछ लगता है लेकिन उस तरह से आउटकम मटीरियलिस्टिक आउटकम बहुत कम है हाँ नहीं, लेकिन है। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है जो खुशी है वो जो थिएटर करके मिलती है वो किसी और में नहीं मिलती जैसा मैं बोला तो जैसे आपने टीवी थिएटर फिल्म का जो बोल दिया आई थिंक हम यहाँ पे एपिसोड खत्म कर सकते हैं <laughs> क्योंकि बात तो हो गई सारे मीडियम्स की सॉरी आई वांटेड टू पुट यू ऑन द स्पॉट लिटिल बिट बिकॉज़ आई वांटेड टू यू नो सी हाउ यू रिएक्टेड बट ओके काफी एक मिस्ट्री है हम्म hmm. तो पहले तो हाउ लॉन्ग वे यू एट एन एस डी थ्री इयर्स इट्स अ थ्री इयर्स थ्री इयर्स कोर्स हाउ वाज दैट दैट एक्सपीरियंस यार मेरे लिए तो वो सचमुच लाइफ चेंजिंग था क्योंकि मैं नैनीताल से आया था और वो एक्सपोजर हमको कुछ था ही नहीं hmm. और फिर दिल्ली अपने आप में एक दिल्ली जाना हमारे लिए बहुत बड़ा वो था ओके okay. फिर वहाँ जाके जिन लोगों को हम थिएटर में ऐसा जो ऐसे बहुत बड़े हमारे लिए नाम होते थे वो जाके वहाँ दोस्त बन गए जैसे रॉबिन दास एक हमारे गॉड या, या। तो okay. like की रॉबिन दास विजिटिंग फैकल्टी में बड़े इंटरेस्टिंग लोग आते थे हमारा जो थर्ड ईयर था जी उसके साथ प्ले करने के लिए एक अस्सी साल के ब्रिटिश थिएटर डायरेक्टर आए जिनका नाम था सर जॉन रसल ब्राउन उनको वो नाइटहुड मिला था और उन्होंने प्ले किया था शेक्सपियर का थर्ड ईयर के साथ तो फर्स्ट ईयर के लोग छोटे छोटे रोल करते थे हम लोग उसमें छोटे-छोटे वो वो आए आए थे थे और थे और, थे। और उन्होंने हमारे साथ क्लासेस की फर्स्ट के साथ और फिर उन्होंने बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर किए जैसे वो उन्होंने बताया कि उन्होंने लॉरेंस ऑलिवेयर के साथ प्ले किया हुआ है मतलब जो नाम आपने सुने तो आप मिल रहे हो ऑलमोस्ट टू डिग्री वन डिग्री कनेक्शन हो गया बिल्कुल तो वो बहुत बड़ा मतलब उस जगह तो अमेजिंग है निज्डी यू नो एक ऑलमोस्ट uh, ऐसा लगता है कि आपने अभी जो दिल्ली का एक देखा है दिल्ली थिएटर की दुनिया देखी है और जो बॉम्बे थिएटर की वो बहुत अलग है बहुत अलग है मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि बॉम्बे तो थोड़ा सा बबल में है एक मतलब अपना ही टाइप का जो एक थिएटर है हालांकि बॉम्बे में गुजराती मराठी रीजनल थिएटर होता है बहुत पॉपुलर है यू नो uh, you know, डेली शोज होते हैं जो शायद मतलब हिंदी और इंग्लिश नाटक नहीं कर पाते बट वो आपको कोर डिफरेंस क्यों लगता है कि दिल्ली और बॉम्बे में है यार मैं ना थोड़ा ऑनेस्टली जो मुझे लगता। हाँ। मुझे क्या लगता है कि बॉम्बे में ना आदमी हम लोग हम सब लोग थिएटर कर कर करते हैं क्योंकि हम करना चाहते दिल्ली में मुझे मेरा जहां तक आइडिया है बहुत कम लोगों को छोड़ दें अगर कुछ नील और ऐसे लोगों को छोड़ दें तो सिर्फ और सिर्फ ग्रांट के लिए या किसी सरकारी जुगाड़ के लिए या उस पैसे के लिए लोग थिएटर कर रहे ओके okay. इसलिए बॉम्बे का थिएटर मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि हम हम अपना एक्सप्रेशन खोज रहे हैं इसलिए आइडिया वाइज भी इतना वेरिएशन है कि एक एक वेरियस एक तरह के प्ले कर रहा है मकरंदेश देश पांडे एक तरह के प्ले कर रहे हैं नादिरा जी एक तरह की प्ले कर रही हैं तो आइडियाज़ का भी इतना वेरिएशन है क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो वो किसी ग्रांट के चक्कर में नहीं है वो कर रहे हैं क्योंकि वो दे लव डूइंग थिएटर तो इसलिए मुझे लगता है चाहे वो बबल हो चाहे छोटा हो चाहे उसका रीच उतना ना हो नहीं रीच की बात नहीं मेरा बबल कहने का मतलब ये था दो चीज़ें थी देखिए मैं एक्चुअली आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ बिकॉज आई ऑल्सो फील मुझे हमेशा लगता है और ये मेरा परसेप्शन गलत हो सकता है बट जैसे आपने नील चौधरी का नाम लिया नील चौधरी को छोड़ के या कुछ लोगों को छोड़ के मुझे भी हमेशा लगता है कि डिस्पाइट हैविंग एन एनर्जी डेली ऑलवेज फील्स लाइक इट्स स्टिल स्टक इन अ बिट ऑफ अ टाइम वॉप यू you नो know, मतलब Correct. और कुछ जो इंटरेस्टिंग लोग शायद आते भी हैं शायद टिकते नहीं हुँ. या शायद चले जाते हैं क्योंकि शायद ऑडियंस ना हो हुँ. उस टाइप की उनके पास मेरा मतलब बॉम्बे के बॉबे जैसा था कि आई फील बॉम्बे का एक्सपोजर टूवर्ड्स अदर काइंड ऑफ थिएटर कम है हुँ. जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदी साहित्य hmm. hmm. बॉम्बे में उतनी मतलब गिन चुन के जैसे वहाँ नील है हुँ. वैसे यहाँ कुछ लोग होंगे Correct. या अगर मेरे प्ले, मेटा के लिए नॉमिनेट नहीं होते hmm. मैंने जिंदगी में बहरुल इस्लाम का नाटक नहीं देखा होता hmm. 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 या मैंने रतन थियाम का नाटक नहीं देखा hmm. होता तो वो एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है वो हमारे लिए कुछ एलियन है hmm. Hmm. और वो भी गलत बात है वो है इट्स डीप रूटेड इंडियन थियेटर एट इट सो सैड दैट टूडे नो हू रतन और अवेरनेस अवेयरनेस है उसका बहुत बड़ा रीजन वो एन एस डी है इतने सारे लोगों को फ्रॉम डिफरेंट पार्टी वर्ल्ड नॉट इवन इंडिया बुलाता है कि yes. एक अवेयरनेस तो और उनका उनके प्लेज होते हैं दिल्ली में मजे की बात यह है कि वो जो भी प्लेज होते हैं वो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं एनएसडी hmm. क्योंकि सरकारी एक इंस्टीट्यूट है तो जितने भी वो नाटक बुलाता है करवाता है उनके नाटक की टिकट क्या ही होती है मतलब चालीस पचास hmm. ये टिकट की प्राइसेस है hmm. तो उस वजह से दिल्ली ऑडियंस को एक्सपोजर तो बहुत है मिल जाता है जो दिल्ली थिएटर पीपल है जी मैं कह रहा हूँ आउट ऑफ आउटसाइड एनएसडी राइट दे आर नॉट एक्सप्लोरिंग एनीथिंग न्यू दे आर नॉट डूइंग मतलब जैसा उनको करना चाहिए राइट दिल्ली में थिएटर करना बॉम्बे में थिएटर करने से बहुत इजी है इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर, बेटर है इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है तो जगह है आपके स्पेस पास प्लेस है मंडी हाउस है मंडी है तो बड़ी लाइब्रेरीज हैं सब कुछ है तो वहां जिस तरह के आइडियाज एक्सप्लोर होने चाहिए थे वैसे नहीं हो रहे हम लोग थोड़ा सा या तो वेस्टर्न लिटरेचर से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं हिंदी लिटरेचर शायद इतना नहीं जानते एंड 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 यू डू इन दैट सेंस सो

That's because is uh, giving me a जॉब की इस तरह का Correct, of course. तो वो एक अलग चीज है but मेरा जो अपना राइटिंग है जो मेरा, या जो मैं अपना पढ़ता हूँ वो बिल्कुल अलग चीज है hmm. क्योंकि मुझे और अब तो मुझे कहानी और फिक्शन में उतना इंटरेस्ट भी नहीं आता पढ़ने में hmm. मुझे थोड़ा सा ऐसा जो नॉन फिक्शन है या जो थोड़ा फिलोसफिकल चीज़ें हैं वो पढ़ने में अब ज़्यादा मजा आता है जैसे मैं बहुत पहले से जैन जैन जो लिटरेचर है ना उसका बहुत बड़ा फैन मतलब जैन स्टोरीज मुझे जेन स्टोरी से अच्छा कुछ नहीं लगता लिटरेचर में मतलब वो चार लाइन की कहानी लाइफ चेंजिंग कहानियां होती हैं करेक्ट तो यही पर्सनैलिटी भी है मेरी ऐसा मुझे लगता है कि ऊपर से आपको फनी लगेगा लगेगा बट वो नीचे बहुत गहरी बात नहीं नहीं आप डीप तो बहुत हो आ, जैसे मैंने तो, एक छोटी कहानी सुनाता हूँ आपको मजा भी आएगा हाँ। वो एक मेरी फेवरेट कहानियों में से जेन स्टोरीज में एक स्टूडेंट एक जैन मंग के पास गया जो की कंगफू का मास्टर था तो उसने स्टूडेंट ने बोला की गुरुजी मुझे कंगफू का मुझे, मुझे एक्सपर्ट बनना है और मुझे बताओ आप मैं बिल्कुल सब कुछ करने को तैयार हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा एक्सपर्ट बनने में तो गुरु ने बोला दस साल हाँ। तो उसने बोला कि मैं दिन रात एक कर दूँगा मैं बहुत मेहनत करूँगा मैं दिन रात लगा दूंगा तब कितना टाइम लगेगा गुरुजी ने बोला बीस साल

Uh, and and very deep thoughts, and you're mm. actually like a but a lot of the writing and the performances I've seen of yours are are very funny, mm. and you lean towards that, and mm. it's, it's it's beautiful. And but, matlab like you know, I would really love to also see some of your serious uh, mm -hmm. uh, uh, stuff. And uh, um, yeah, I mean, wo, because that it's such a crazy wide range. Ab, Jo ek, uh, yeah, and I think the people who are listening also for them.

आई I मीन mean, एक साथ ही साथ ही बट हाँ। के yeah, स्केचेस तो शुरू हो गए थे ना मेरे ख्याल से या अराउंड द सेम टाइम मतलब मुझे पता नहीं I है वो का इंटरनेट का एक बूम आया था हाँ। तो सब लोगों ने uh, वो डिसाइड किया था एंड and you were doing some very interesting sketches with the IB I still remember the honest weddings hmm. and hmm. and and all of that and uh, TVF के साथ भी आप काम कर रहे थे but इन्होंने almost ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे entertainment का हुलिया बदल दिया hmm. Hmm. so what did it feel like to be part of that today when you're looking back and now we've built an entire industry on the basis of that what did it feel like then did you know no that but मेरे को ये था कि ये एक नई voice है ये young लोगों की voice हाँ. क्योंकि उस वक्त का टेलीविजन तो बिल्कुल वो तो youth, बहुत youth से हो कोई कनेक्ट ही नहीं था उसका बिल्कुल और फिल्में भी एक अलग तरह का और फिल्में वैसे भी अलग अलग चीज है ना वो और वो एक फॉर्मूला पे चल रही थी ये जो आया ना वो इतना रिलेटेबल था इतना लोगों की लोगों की बातें लोगों की जबान में थी वो मुझे रियलाइज हुआ कि ये कुछ अलग तो कर रहे हैं ये वो सब बातें कर रहे हैं जो हम करते हैं आपस में मिलके हाँ बट हमने कभी ऐसा पब्लिक फोरम पे नहीं पब्लिक फोरम पे नहीं किया तो हाँ। सारे और आई थिंक वही उसकी सक्सेस का रूट कॉज भी है कि उन्होंने वो इतनी रिलेटेबल बातें पकड़ी और उन्हीं की जबान में उनको सुना दी हाँ। तो सबको लगा है कि यार ये ये है यूथ जो है वो टूट पड़ा क्योंकि वो आई थिंक वो उनके पास कोई था ही नहीं ऑप्शन बिल्कुल तो जब वो कर भी रहे थे तो मैं जब उन uh, एक्चुअली वो निधि बिष्ट जो हाँ, है निधि बिष्ट हाँ वो हमारे साथ प्ले कर रही थी था वो टूर्नी में भी हाँ, काम कर हाँ, रही हाँ, थी हाँ. तो उसी ने मुझे बोला कि एक स्केच हम लोग बना रहे हैं हाँ. तो आप आ, करोगे क्या हाँ. तो मैं मिलने गया मैंने पढ़ा मैंने कहा ये तो बहुत ही मतलब ऐसा कुछ इतना क्रेजी स्टफ है ये ऐसा किसी ने कुछ किया ही नहीं अभी तक तो मुझे लगा ये करना चाहिए और फिर वो उसका इम्पैक्ट जब आया तो पता चला कि मतलब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस नहीं थिंक ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आपने बोली है जैसे आप और हम जानते हैं कि जब बैक इन द डे जब दूरदर्शन ही था एक जमाने में बहुत अच्छा कंटेंट था hmm. और वो हर एज के लिए था यूथ hmm. hmm. के लिए भी कंटेंट था आई रिमेम्बर शोज लाइक इंद्रधनुषन You know, एक दो तीन चारे गुडर बट थियेटर में भी फॉर एग्जाम्पल ना मुझे uh, जब हमने थिएटर भी शुरू किया था विच वज थियेटर फेस्टिवल बट थियेटर का परसेप्शन हमेशा थोड़ा इलेटेस्ट वाला था hmm. थोड़े सीरियस है वो आज भी आप बोलो तो कुर्ता झोला लेकर सुनते hmm. हैं वो hmm. Hmm. एक है। नहीं, तो, और वो आज भी ये है कि...

और वही था कि आई थिंक जैसे यू uh, नो you know, मैं uh, एकजुट की बात हो या कोई हो कि ओरिजिनल वॉइस नहीं थी यार सब ऐसा क्लासिक्स को लेकर यू नो वापस कर रहे थे या हम लोग थोड़ा कंटेम्प्रेरी कर रहे थे लेकिन होम ग्रोन कुछ नहीं था करेक्ट एंड आई थिंक दैट वो एक शिफ्ट आया शिफ्ट आया एंड वो जैसे ऑफकोर्स दे मच बिगर स्केल विद यूट एंड एवरी थिंग बट सडनली इवन इन दिएटर

आई वुड सेंगनेस इन थियेटर ना वो एके uh, वेर सी लिया है बॉम्बे थियेटर में थियेटर को जो थोड़ा कूल बनाने वाला जो एस्पेक्ट uh, है वो एक-एक किया। I think साथ में चल रहे थे जैसे यू नो थे जो लोग निकल रहे थे क्या डिस्टर्ब हो गया कि मैं जा रहा हूँ अस्सी नाटक देख रहा हूँ उसमें से सत्तर बादल सरकार कर रहे हैं <laughs> या ये कर रहे कोई सारी रात कर रहा है कुछ न, बोलो ना यार आप तुम अपना क्या बोलना चाहते और कोई कर ही नहीं रहा था मतलब या तो मतलब कोई इंग्लिश का उन्होंने अडेप्टेशन किया बट एक मराठी नाटक देखा विच वॉज लाइक अबाउट बॉय

Correct. and uh, TVF, uh, of course, all IIT and boys coming and now talking to, you know, people who need a break hmm. from hmm. studying hmm. all the time. Yeah, but that exploded and did well for all of us. We all ended up, you know, uh, and uske baad toh, of course, you know, Netflix and Amazon and now, you know, you've done so much work and you're uh, in in. Uh,

में नहीं कर पा रहे नहीं वो तो वो हमेशा से था देखो वो तो वो कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर में होगा इट्स एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन करेक्ट वो इट डिपेंड्स कि किसी में कोई डाल सकता है कोई नहीं डाल सकता बट मुझे नहीं लगता ये करेक्ट बात है हुँ. मुझे लगता है कि वो एक मीडियम है यार उसको जैसे यूज कर लो आप है ना हुँ. इसको थोड़ा जैसा वेस, वेस्ट में लोग करते हैं उस तरह से करना चाहिए अब नाउ इट्स हाई टाइम In what way? What do you mean? मतलब, commercially. To yeah, to, it. to To market yeah, हाँ, yeah. People, मतलब, grand scale का market it. people जो मार्केट करे इसको करेक्ट ढंग से क्योंकि हम फिल्मे बनाई रहे ना इंटरनेशनल लेवल की और बिल्कुल तो म, म, हम थिएटर क्यों नहीं कर सकते मतलब और हमारे पास जैसी फोक स्टोरीज uh, है फोक म्यूजिक है वो इतना एक्सोटिक है उसको ढंग से प्रेजेंट करने की देर है बस करेक्ट हमारे यहां महाभारत तो एक कहानी है महाभारत ही पहले तो इतना बड़ा है उसके अलावा इतनी हैं इतने और जो कि विजुअली मतलब इस, वो mind हो सकती है माइंड ब्लोइंग हो सकती, सकती है लेकिन हम वो कह नहीं रहे क्योंकि क्यों हमको वो एक कोई विजनरी चाहिए जो मार्केट और हाउ टू सेल इट वाला कोई

मेरा माई बाप कोई नहीं है ना hmm. मैं आई एम द स्टूडियो करेक्ट सो आई डोंट है लेस इंटरफियरेंस आई कैन टेल द स्टोरीज आई वॉन्ट टू टेल करेक्ट एंड एंड वो मतलब के क्योंकि हमें ज्यादा कोई भाव नहीं देता <laughs> और हमारे कुछ साढ़े तीन सौ लोग आते हैं देखने <laughs> तो वहाँ पे भी कुछ था, मतलब हम निकल जाते हैं <laughs> हम हम बोल के निकल जाते हैं Correct. तो आपने अगर uh, Prime पे कुछ ना भी बोला हो तो आपको बंद कर सकते हैं <laughs> <laughs> तो फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड टू एक्सप्रेस इज मोर बिकॉज यू कैन बिकॉज नहीं तो मैं बोथ कमर्शियल और एक एक्सपेरिमेंट जो बिल्कुर, पहले बिल्कुर। और एक्सपेरिमेंटल थिएटर तो मुझे लगता है एक लैब की तरह जहाँ आप आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो तो वो उसके लिए आपको छोटा थिएटर चाहिए ही चाहिए चाहिए उसके लिए अब ऐसा नहीं कि आप सीधे दो हजार लोगों के सामने चले गए इट्स लाइक टेस्टिंग योर मटीरियल टाइप ऑफ थिंग आपने दो सौ लोगों के साथ एक पीस एक लिखा उसको किया और फिर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये तो सही जा रहा है देन यू कैन मेक इट बिग आल्सो करेक्ट तो मुझे लग रहा है कि वो थिएटर छोटा थिएटर हमेशा से उसकी जगह थी और रहेगी इज इनर स्टेजॉयी प्लेस इतना सब मतलब पिछले इतने सालों से लगे पड़े हैं सब चल है उसमें मुझे एक चीज रियलाइज हुई की इट्स नॉट अबाउट द फॉर्म हाट्स अबाउट द कंपनी मतलब nice. मैं आजकल दोस्तों के साथ काम करना वो चाहे दोस रेडियो कर रहे हों या पॉडकास्ट कर रहे हो या थिएटर कर रहे हो या फिल्म कर रहे हो मैं अब वो मैं इस उस पर आ चुका हूँ कि मज़ा आना चाहिए है ना आना भले आना ही रोल छोटा हो बड़ा हो पैसे कम हो ज़्यादा हो मज़ा आना चाहिए इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वो मल्टी टाइप फिल्में अवॉइड करता हूँ क्योंकि वहाँ

एक तो क्या है कि जैसे वो काफी वीडियोस बनते हैं ना कि विच आर द मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चन अबाउट यू गूगल पे आपके बारे में क्या सवाल सबसे ज्यादा आते हैं हाँ, तो एक है अब देखिए बताना है कि नहीं हाउ ओल्ड इज गोपाल दत्त <laughs> और यहाँ पे लिखा है ये आपने ना भी बताना हो तो छुपाया कैसे है ये बताइए कि गूगल को कैसे नहीं पता गूगल को नहीं पता ये क्या अरे गूगल को बहुत फालतू तो चीजें पता है गूगल को किसी ने मुझे भेजा मेरा नेटवर्थ हाँ। मैंने कहा इतना मेरा नेटवर्थ होता होता <laughs> कुछ फोर्टी सेवन मिलियन हो सकता है यार अरे क्या बात है? मैं मैं अपना कहीं हाँ। लेट के आराम कर रहा होता <laughs>

डीप गए बोल एक्सप्लेन कीजिए मुझे मुझे... ये। <laughs> <laughs> ये आप अगर किसी से कर लिया ना हाँ। आपने किसी भी कैरेक्टर से हाँ। तो फिर मुझे लगता है कि आपको क्राफ्ट की भी जरूरत नहीं है अपने आपकी एक वॉक आपको मिल जाएगी आपका एक मैनरिज्म मिल जाएगा वॉइस मिल जाएगी तो मुझे लगता है वो कोशिश वही रहती है कि कैसा हाउ विद दिस कैरेक्टर ऐसा जो कैरेक्टर आपने प्ले किया हो किसी भी मीडियम में जो आपका फेवरेट है अलग अलग हैं यार वही एक दो तीन मतलब जो लोगों को पता है वो नहीं जो आपको सबसे पसंद है लोगों को ना पता, तो तो पता, पता, पता ही नहीं है लोग तो पता कर लेंगे नहीं नहीं वो सब थिएटर में ही होंगे ना तो कुछ तो चार पांच लोगों ने तो देखा होगा <laughs> तो, तो, <laughs> जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉमुदी मुझे बहुत बिल्कुल, पसंद बहुत, है, बहुत अच्छा है, के जो अभिषेक अच्छा है, है। हाँ। uh, अगर तो I always tell people अगर मतलब कि आपके शहर में चल रहा है तो जरूर देखेगा बहुत ही कमाल का नाटक है सुधीर डेली क्राइम हाँ Why 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 do you say that? Why was that was most most fun or most Because memorable? Because approach character और वो रिचि मेहता ही पढ़ रहा था और ये <coughs> meeting में उसने मुझे बोला कि यार क्या हो? एक interrogation scene था तो हमने इतने police के interrogation scenes देखे ना <coughs> कि हम बिल्कुल वैसे ही <coughs> हल्का सिंघम सब में आ जाता है <coughs> Correct. तो उसने मुझे एक इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली रिचि ने बोला गोपाल मैं इन सब लोगों से मिल चुका हूं hmm. और इसमें बिल्कुल जीरो हीरोइज्म है hmm. क्योंकि वो लोग बोर्ड हैं hmm. और उनका है कि ये कुछ भी बोल दे फाइल भर के खत्म करें उनको घर hmm. जाना है hmm. उसमें कुछ हीरो बदा hmm. उनका है कि जल्दी बोल यार खत्म कर मेरे को। hmm. कोई इसमें वो नहीं है कि पुलिस वाले तो हीरो जिंदगी बहुत डिफिकल्ट है

पहली बार मुझे मुझे लगा ही नहीं कि ये मैं प्ले देख रहा हूँ वो था रतन थ्याम का उत्तर प्रियदर्शी अच्छा ओ वाड़ा ये अगर वो कभी भी देखने का मौका मिले किसी को भी क्या बताइए उसके बारे में क्या है वो यार उसमें वो शुरू ही ऐसे होता है कि एक विजुअल है आपको लगता है धीरे धीरे एक तो लाइट और उसका वो क्या कमाल करते हैं धीरे 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 ब्लैक में से कुछ लाइट खुल रही है और धीरे धीरे, धीरे एक विजुअल खुल रहा है और आपको लगता है एक हाथी जो है वो दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ रहा है ऐसा विजुअली वो क्रिएट करते हैं और जैसे ही वो आपको पूरा दिखने वाला होता है उससे पहले जु चला जाता है तो मैं फट गया कि ये मैं कैसे देख रहा हूँ थिएटर में ये क्या हो रहा है तो मेरा शुरुआती रतन थ्याम प्लेस थे वो हाँ। तो मैंने कहा ये क्या ऐसा जादू कैसे हो सकता है थिएटर में

अनस्क्रिप्टेड विद आकर्ष खुराना हाँ यही नाम है यार स्ट्रीमिंग ऑन बिंच पॉट स्पॉटीफाई एप्पल पॉडकास्ट और जहाँ भी यार पॉडकास्ट जहाँ भी तुमको सुनने होते वहाँ है हाँ अरे अनस्क्रिप्टेड विद आकर्ष खुराना आद्यम का पॉडकास्ट है ओके okay? चलो आल कॉल्यूलेटर फॉलो आद्यम ऑन इंस्टाग्राम यूट्यूब ट्विटर और फेसबुक फॉर मोर अपडेट्स बहुत सारे प्लेज आ रहे हैं बहुत सारी जानकारी मिलेगी सो so फॉलो